फंक्शन क्या चीज होता है? फंक्शन पहले सुना है इससे पहले? डंडा। ये चीज कैसे फंक्शनिंग कर रही है ना, ये स्विच कैसे फंक्शन करता है, ये टीवी कैसे फंक्शन करता है ना, मतलब कैसे चल रहा है, क्या होता है इसके अंदर। तो फंक्शन का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर काम कर रहा है ना। तो जैसे भाई ये घंटी कैसे फंक्शन करती है, कैसे काम करती है। तो हर फंक्शन का एक छोटा सा काम होता है, लिमिटेड काम होता है। और वो जैसे आपका घड़ी होता है, तो घड़ी के अंदर भी अलग अलग जो गियर्स होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ वैसे क्रिकेट वाली, ठीक है, सुई वाली, तो उसके अंदर अलग अलग गियर का अलग अलग काम होता है। कोई छोटा गियर, कोई बड़ा गियर, लेकिन वो अगर सही नहीं घूमेंगे तो आपका टाइम सही नहीं आएगा, राइट। वैसे ही अगर कोई कार की आप बात कर रहे हो, तो कार के अंदर कंपोनेंट अलग अलग रहते हैं। इंजन है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इंजन, तो इंजन के अलावा भी तो भाई सारे इम्पोर्टेंट पार्ट ही है। भाई हॉर्न है आपका, ठीक है, वो भी तो भाई अपना काम कर रहा है। और आपका जैसे इंडिकेटर है, वो अपना काम कर रहा है। तो ये छोटे छोटे जो कंपोनेंट है, ये छोटा छोटा जैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो फंक्शन एक भाई कंसेप्ट है कि एक छोटा सा काम जो है वो एक फंक्शन, ठीक है, वो कुछ कोई भी उसको परफॉर्म करे। तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जैसे आप जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हो, तो कभी भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होगा कि एक जैसे फेसबुक किसी ने बना दिया, तो ऐसे एक ही सॉफ्टवेयर लाइन बाय लाइन वो लिखते हुए जा रहा और ये फेसबुक बन गया, ठीक है। ऐप भी ऐसा तो नहीं है कि भाई लाइन बाय लाइन उसको कोड लिखते जा रहे है ना, ऐसा कुछ नहीं होता कभी भी। इसमें होता क्या है, जैसे ऐप भी ने लोगों को हायर किया, ठीक है, तुम अपना ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट संभालो, लॉगिन और रजिस्टर कैसे होगा, उसमें किसी को दिक्कत आई सर आपके पास में आएंगे, ठीक है, बोला ठीक है मैं संभाल लूंगा। तो उसका केवल इतना काम है कि वो लोगों को लॉगिन करवाएगा और लोगों को रजिस्टर करवाएगा। लोगों को लॉगिन करने में दिक्कत हो रही है, तो लॉगिन करने में क्या क्या दिक्कत हो सकती है, क्या क्या दिक्कत हो सकती है, मेंटली भाई वो पासवर्ड ही भूल गया अपना, है ना, तो उसको पासवर्ड रिकवर करने का प्रोसेस भी वो बताएगा, ठीक है, वो भाई वो गलत एंट्री कर रहा है तो उसको प्रॉपर हिंट भी देना पड़ेगा। तो भाई जो काम है लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का, वो भी छोटा नहीं है देखा जाए तो। उसमें कई हर तरह के यूजर आते हैं, उन सब तरह के यूजर को समेटना सेलेक्टना वो भी एक भाई चीज़ है। तो यहाँ पे जैसे एक लॉगिन वाला मान के चलो कि ये लॉगिन वाली फंक्शनलिटी है, लॉगिन, ठीक है। और यहाँ पे जैसे एक एक और चीज है, एक छोटा सा कोड है, ये लोगों को रजिस्टर करवाता है। रजिस्टर भी एक बार करना पड़ता है, लॉगिन बार बार करना पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे उसने फर्स्ट टाइम जब आया एफ बी के ऊपर, तो उसने क्या बोला कि भाई आपका अकाउंट है क्या, नहीं है तो रजिस्टर कर लो, ठीक है, तो ये वाला चल गया। फिर उसने बोला कि ठीक है आपका अकाउंट है क्या, बोला है, तो लॉगिन कर लो, ठीक है, तो लॉगिन कर लिया। तो लॉगिन करने के बाद में आपको क्या दिखना चाहिए, उसका भी फंक्शन है, ठीक है। तो आपको क्या दिखना चाहिए, जैसे ये वेलकम, ये वेलकम नाम का फंक्शन है, लेकिन ये क्या दिखाएगा भाई, आपको फीड दिखाएगा, आपको नोटिफिकेशन दिखाएगा, क्या चीज़ दिखाना चाहिए स्टार्टिंग में, ये वेलकम जो है फंक्शन ये डिसाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के आपके फंक्शन होते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं होगा कि मैं सिंपली लाइन बाई लाइन आपका आता हूँ, ये ऐसा होता है कि यहाँ पर इन चीज़ों को इंजेक्ट किया जाता है, लगा दिया, सेट कर दिया। कल को कोई नया फीचर बना, अरे कुछ फीचर ऐसे भी हैं, जैसे गूगल का मार्केट प्लेस है, वो पहले नहीं था, हाँ क्या मार्केट प्लेस जिसमें लोग सेल करते हैं, नोट सेल कर सकते हैं अपने, जैसे कपड़े वपड़े का कुछ वो कर रहा है बिजनेस, तो अपना वो कर सकते हैं, प्रॉपर्टी आप शेयर कर सकते हो लोगों के साथ में। मार्केट प्लेस गूगल मार्केट प्लेस के नाम से आता है ना, अगर आपने उसको यूज नहीं किया तो आप कर सकते हो। तो वो वाली चीज़ जो है वो पहले बनी हुई नहीं थी, उन्होंने बाद में बनाया, तो उसको इंजेक्ट कर दिया अपने कोड के अंदर। तो यहाँ पर ये रहता है कि हाँ अच्छा लॉगिन करवाना पड़ेगा, तो ये लॉगिन जो है ये उठा के कोड में डाल दिया, ठीक है। इसका मतलब अब ये जो ऐप भी है ये इसमें लॉगिन वाली फंक्शनलिटी आ गई, ठीक है। इसी तरीके से भाई आपका जैसे ये रहेगा रजिस्टर, रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा, और मुझे वेलकम जो है ये भी करवाना पड़ेगा, ये लोग ये सारी चीज़ इसके अंदर आ गई। अब इसका कोई पर्टिकुलर वो होगा, यूजर आएगा सबसे पहले रजिस्टर करेगा, रजिस्टर करने के बाद में लॉगिन वाला प्रोसेस होगा, या फिर सीधा क्या करेगा वो लॉगिन भी कर सकता है, सही बात है क्या। ये आपका फ्लो बन गया। और वेलकम पेज पे कब पहुंचेगा, जब लॉगिन कर चुका होगा,
ठीक है, ये चीज, ये फ्लो है आपके उसका सॉफ्टवेयर का, तो या तो रजिस्टर करके फिर लॉगिन करेगा, फिर वेलकम पे पहुंचेगा, या फिर रजिस्टर अगर पहले कर लिया तो सीधा लॉगिन करेगा फिर वेलकम पे पहुंचेगा, तो ये ऑथेंटिकेशन हो जाता है। तो कुल मिला के ये अलग अलग कंपोनेंट है जो आपके सिस्टम के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। अब ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट है बनते कैसे हैं, है ना, तो इनको फंक्शन बोला जाता है, फंक्शन या फिर मॉड्यूल बोल सकते हो, बड़े लेवल पे कि जिसके अंदर हजारों फंक्शन एक साथ में मिलके बना हुआ है, जो एक पर्टिकुलर काम कर रहा है, जैसे गूगल का मार्केट प्लेस है वो मॉड्यूल है जो इंसर्ट कर दिया गया, उस मॉड्यूल के अंदर को यूजर कैसे इमेज को अपलोड करेगा, कैसे उसमें लिखेगा, बाकी यूजर कैसे उससे इंटरेक्ट करेंगे, वो सब फंक्शन हो गए, ठीक है। तो मॉड्यूल ग्रुप ऑफ फंक्शन हो गया एक, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जैसे अगर आपको फंक्शन बनाना है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कोई काम आपको परफॉर्म करना है, बड़ा सा काम, 1 से लेकर 10 तक की गिनती गिन दिया, फोर लूप से कर सकता हूँ ना मैं, ठीक है, फोर लूप से कर लेंगे, एक फोर लूप बनाया मैंने, और मैंने फोर लूप जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे, तो लेट आई इज इक्वल टू 0 से लेकर i < 10, मैंने बोल दिया 10 आई प्लस प्लस 1 से लेकर 10 तक की गिनती गिननी है, कॉन्सोल डॉट लॉग आई प्लस, सही है, ठीक है, ये अपना काम करता है, ये 1 से लेकर 10 तक की गिनती आपको दे देता है। अगर ये काम मेरे को 2 बार करना पड़े, क्या करना चाहिए, ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसको उठा के मैं इसको कर लूँगा, ठीक है, मैं इसको उठा के 3 बार करना पड़ेगा इसको कर दूंगा ऐसा, ठीक है, 10 बार करना पड़ेगा तो मैं ऐसे 10 बार कर सकता हूँ, क्लियर है। दिक्कत क्या हो रही है, एक तो कोड आपका डर्टी हो गया, ये चीज़ आपका डुप्लीकेट नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, ये डुप्लीकेट हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ये देखो डुप्लीकेट, ये सेम डुप्लीकेट यहाँ पे, और ये 10 बार डुप्लीकेट अगर होगा तो ये कोड के अंदर डुप्लीकेसी बढ़ जाएगी। कोड जितना छोटा होगा उतना ही अच्छा होता है, ठीक है, तो हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो डुप्लीकेसी को आपको हटाना है तो क्या करेंगे, इस चीज़ को मैं फंक्शन में डाल देता हूँ। ये चीज़ क्या करता है, ये 1 से लेकर 10 तक का प्रिंट करता है, तो मैं इसको एक नाम दे सकता हूँ क्या, ये प्रिंट 1 to 10, ये फंक्शन का नाम, ये इसका फीचर हो गया, है ना, कि अगर आपको 1 से 10 तक प्रिंट कराना तो ये वाला चीज़ का यूज़ कर लो। तो मैं क्या करूँगा, फंक्शन है मेरा और मैं बोल दूंगा प्रिंट 1 to 10, सही बात है क्या, ये फीचर जो है मैंने डेवलप करना ऐसा, तो मैंने एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर मैंने इसको रख दिया, ठीक है। तो हमने ये फंक्शन बनाने का काम किया, ये फंक्शन कैसे बनाए ये समझा दूंगा मैं, ठीक है, तो ये फंक्शन का नाम है, और अब ये देखो चल रहा नहीं है यहाँ पे, देखे एक बार इसको क्लियर कर देते हैं, एक बार इसको चला के दिखाए तो ये, ठीक है, पेस्ट कर देते हैं, चला क्या, चलाने, ठीक है, केवल फंक्शन बना बना है, इसको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से कर दिया, ठीक है, और प्रिंट 1 to 10 मैंने लिखा और यहाँ पर ये 1 to 10 आ गया, क्या बोलते हो, ठीक है। दूसरा, मैंने 3 बार इसको लिख दिया, ये 3 बार चलेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी देखो कोड आपका एक तो छोटा हो गया, पहली बात तो फीचर जो आपने समेट के एक जगह पे एक बॉक्स में रख दी, और जब भी ये बॉक्स चलेगा, ये फीचर जब चलेगा तो ये इस तरीके से प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने क्या किया, एक फंक्शन के अंदर डाल दिया। अब फंक्शन का मतलब क्या होता है, आपका कोई भी जैसे प्रोग्राम है, उसके अंदर ये ये बड़ा प्रोग्राम है, ठीक है, और इसके अंदर छोटे छोटे प्रोग्राम अगर कई सारे हैं तो ये कई तरह के फंक्शन आपके होंगे, ठीक है, और ये एक दूसरे के साथ में कैसे न कैसे अटैच हो सकते हैं, ये इसके साथ में बात कर रहा होगा, ये इसके साथ में बात कर रहा होगा, ये ऐसा ऐसा आपस में कम्युनिकेट करते हैं कंपोनेंट, ठीक है, तभी ये बड़ा मशीनरी बन सकता है कोई भी। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ आपने करी, आपने एक फंक्शन बनाया। तो फंक्शन बनाने का मतलब क्या है, आपने एक बॉक्स बना दिया, ये वाला बॉक्स, ठीक है, ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम क्या है, प्रिंट 1 to 10, ठीक है, और इसको मैं फंक्शन बोलता हूँ तो इसकी पहचान भी मुझे देनी पड़ेगी, इसके आगे मैंने ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है, तो प्रिंट 1 to 10 जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये प्रिंट 1 to 10 नाम का फंक्शन है। इसका काम क्या है, ये कुछ इनपुट ले सकता है, ठीक है, और नहीं भी ले सकता, और कुछ आउटपुट दे सकता है और नहीं भी दे सकता, लेकिन कुछ काम कर रहा होगा, ठीक है, ये क्या काम करता है, ये वाला काम
करता है, ठीक है, ये 1 to 10 प्रिंट करता है, ठीक है, लूप चला के इस तरीके से। तो बस ये अपन ने फंक्शन बना लिया। अब इस फंक्शन को मैं कितनी बार भी चलाऊं, है ना, तो यहाँ पर केवल मैंने इसको डिफाइन किया है। जब आप ऐसा लिखते हो फंक्शन लिख के फिर इसका नाम लिखते हो और यहाँ पे इस फंक्शन की बॉडी आ गई, ब्रैकेट दे दिए, तो मतलब फंक्शन को आपने क्या किया यहाँ पर डिफाइन किया है, डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं फंक्शन को जब केवल नाम देता हूँ, मैंने फंक्शन थोड़ी लिखा यहाँ पे, मैं केवल इस फंक्शन का जो नाम है वो मैंने लिखा और मैंने इसके आगे ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब है फंक्शन को अब मैं कॉल कर रहा हूँ, तो कॉलिंग फंक्शन, ये मैंने यहाँ पे कॉल किया, यहाँ पे भी मैंने कॉल किया और यहाँ पे भी मैंने कॉल किया। तो अगर आप कोई फंक्शन को डिफाइन करते हो तो एक बार आप उसको डिफाइन करते हो, लेकिन जब कॉल करना पड़ता है तो आप कई बार उसको कॉल कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स, राइट। तो ये कितनी बार डिफाइन हुआ है यहाँ पे, कितनी बार डिफाइन, एक बार, ये डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन में ब्रैकेट भी आएगा, ठीक है, किसी भी फंक्शन का देखो इस तरीके से होता है डेफिनेशन, ये समझ लेना। पहले तो लिखा रहेगा फंक्शन और यहाँ पे फंक्शन का नाम आएगा, फिर आएगा ब्रैकेट और फिर आगे ये ब्रैकेट आएगा, ये फंक्शन का डेफिनेशन हो गया। अगर कहीं भी ये वाला आप सिग्नेचर देख रहे हो तो इसका मतलब फंक्शन को डिफाइन किया जा रहा है ना, ये है डिफाइनिंग फंक्शन। वही है जैसे आपका डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए और केमल केसिंग होनी चाहिए, जैसे मैंने नाम लिखा है तो इसका नाम कैसे स्मॉल से शुरू होना चाहिए और फिर आगे केमल केसिंग की, अगर कोई भी दूसरा वर्ड आ रहा है तो उसका पहला लेटर क्या हो गया, मैंने कैपिटल कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे ओ हो गया, टी हो गया, और टी जो है ये कैपिटल मैंने कर दिया, राइट, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सिग्नेचर होगा। अब मैं जैसे क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने बोला अगर कोई नया फंक्शन बनाना है, मैंने बोला प्रिंट मैसेज फंक्शन, प्रिंट एम एस जी, ठीक है, ये मैंने फंक्शन बना दिया और इसकी मैंने बॉडी दे दी, ठीक है, इस बॉडी के अंदर में जो भी ये काम करेगा ना वो मैं डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पर। तो मैंने बोल दिया कि ये मैसेज प्रिंट करेगा, मैंने बोल दिया कॉन्सोल डॉट लॉग हेलो, ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने क्या किया, इस फंक्शन को डिफाइन किया, ठीक है। अगर इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट एम एस जी, और ये मैंने ब्रैकेट दे दिया, अब मैं उसको कॉल कर दिया, ठीक है, मैंने एक बार कॉल किया तो एक बार इसने प्रिंट कर दिया और एक बार उसने दोबारा प्रिंट कर दिया, राइट। अगर मुझे दोबारा कुछ बनाना है एक और फंक्शन, तो फंक्शन बोलूँगा मैं, फिर बोलूँगा उसको जैसे शो मैसेज, ठीक है, शो मैसेज बोले तो अलर्ट की तरह आ जाए, ठीक है, ये लो, तो अलर्ट, हेलो, ठीक है, तो इस मैसेज में और इस जैसे प्रिंट में और शो में डिफरेंस है, तो मैसेज आपको अलर्ट मैसेज देता है और ये प्रिंट वाला जो है कंसोल में आपको देता है, राइट, है ना। तो आपको एक बार बनाना है चीज़ को और बार बार उसको कॉल करना है, ठीक है। आपको जैसे आपने किसी का नाम कर दिया, ऐसा कोई रोल आपको उसने असाइन कर दिया, मैनेजर जो ये काम करेगा, तो आप सिंपली उसका नाम लेके रमेश ये, ठीक है, वो अपना काम करेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखो यहाँ पर ये मैंने बना लिया, राइट, सेव कर दिया। तो तीन बार मैंने फंक्शन को कॉल किया है और एक बार उसको डिफाइन कर दिया। तो ये आपका एक नॉर्मल सा फंक्शन है, ये क्या है कि हमेशा एक ही काम करेगा, ठीक है। जैसे एक लाइन का फंक्शन बना लेता हूँ जो लाइन प्रिंट करता है, ठीक है, यहाँ पर सेव किया, एक नया पेन ले लेते हैं, फंक्शन, ठीक है, डिफाइन करना है तो प्रिंट लाइन, ठीक है, और ये जो फंक्शन है ये आपका कॉन्सोल डॉट लॉग, या फिर ऐसा करते हैं ना, चलो हाँ अभी तो कॉन्सोल डॉट लॉग, और इसमें ये लाइन प्रिंट कर देगा, सही है क्या, ठीक है, कॉन्सोल में देख लेंगे एक बार जाके, कॉन्सोल में जाके देख लेते हैं, और यहाँ पे कॉन्सोल लिख दिया ना मैंने, कॉन्सोल फंक्शन है, ये फंक्शन करता ही प्रिंट है, ठीक है, कॉन्सोल में प्रिंट करता है,
तो इस फंक्शन को क्या करूं, कॉल कर दो, ठीक है, सही शब्द का भाई आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रिंट लाइन, ठीक है, इसको मैंने क्या किया है, कॉल कर दिया, ठीक है, ये लो। तो मैंने एक बार कॉल किया है, एक बार चलेगा, और अब की बार दो बार चल जाएगा, दो बार चल गया, ठीक है, चलो अब की बार मैं ये जो कॉल कर रहा हूँ ना, ये मेरी मर्जी से कर रहा हूँ, क्योंकि बना तो मैंने पहले दिया, डिक्शनरी में तो ऐड कर ही दिया, अब ये इसको मैं बार 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 यूज कर सकता हूँ। तो मैं इसको कंडीशनल हिसाब से भी चला सकता हूँ, कंडीशन के हिसाब से, कि अगर इसने बोला कि लाइन को प्रिंट करो तभी लाइन को प्रिंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर, इफ यहाँ पे करते हैं, इसको तो मैं कर देता हूँ क्लियर, प्रॉम्प्ट या फिर कंफर्म, वुड यू, क्या है रे, वुड यू लाइक टू लाइंस, जो भी ये बोलेगा उसको एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, यूजर रिस्पॉन्स, ठीक है, और यूजर का जो रिस्पॉन्स है अगर वो ट्रू है, क्या इसमें क्या हो सकता है, या तो वे ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है, ठीक है। इफ यूजर रिस्पॉन्स इज इक्वल टू ट्रू है तभी आपको लाइन प्रिंट करना है, राइट। तो अब आपका लाइन प्रिंट नहीं होगा, ओके ये दो लाइन इसने प्रिंट कर दी, जिसका मतलब मैं कंडीशन के हिसाब से चला सकता हूँ, मैं जितने मन मर्जी आएगा उतना चला सकता हूँ, क्या नहीं, क्या मैं उसको बोल सकता हूँ कितना लाइन प्रिंट करना है आप बताओ, ठीक है। तो मैं उसको यूजर से वो प्रॉम्प्ट में भी ले सकता हूँ ना, ठीक है, फिर जितना लाइन बोलेगा उतना लाइन में प्रिंट करवा सकता हूँ, कैसे, जैसे इसको तो मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ कमेंट, और मैं बोल देता हूँ लेट लाइन, प्रॉम्प्ट किया मैंने, हाउ मेनी लाइंस यू वांट टू प्रिंट, ठीक है, मैं जीरो बोल सकता हूँ या कुछ और भी बोल सकता हूँ, और फिर मैं इसको ऐसा करूँगा, जो भी ये लाइन मुझे देगा उसको मैं पार्स इंट कर दूंगा, सही बात है क्या, और जो पार्स इंट करेंगे उसको मैं यहाँ पे एक बार कॉन्सोल में शो करना चाहूँगा कि ये लाइन काउंट कितना आया, तो कॉन्सोल डॉट लॉग लाइन काउंट, ठीक है, ये इसको चला के देख, कितना लाइन प्रिंट करना चाह रहे हैं, आउटपुट क्या आएगा, ये पार्स इंट है, ठीक है, ये पार्स इंट है, ये प्लस प्लस नहीं कर रहा है, ये इंटीजर में कन्वर्ट करने की मशीन है, ठीक है। तो ओके पे क्लिक करते हैं, ये जो है यहाँ पर नोट ए नंबर आपको बोल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो लाइन काउंट है मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, अगर ये क्या होना चाहिए, नोट ए नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इफ लाइन काउंट नोट इज इक्वल टू एन ए एन, ठीक है, नोट ए नंबर, और इज नैन करके, इसे नोट ए नंबर जो है ना, ये भी आपका एक इज नैन करके आएगा, इज ये एक मेथड है, ठीक है, इसको अलग से चेक किया जा सकता है, एक नोट ए नंबर को दूसरे नोट ए नंबर से आप कंपेयर कर सकते हो क्या, जैसे कि मैं बोलता हूँ आपके पास में एक नोट ए नंबर आया, क्या ये नोट ए नंबर के बराबर होगा, ये नहीं होगा, करके देख लेते हैं, चलो If
नोट ए नंबर इक्वल टू इक्वल टू नोट ए, या बस इतना ही कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग नोट ए नंबर इक्वल टू नोट ए नंबर। क्या बोल रहा है? फॉल्स है, मतलब नोट ए नंबर, नोट ए नंबर बराबर नहीं है। तो ये क्या है? क्या आएगा? ट्रू। तो इसका फॉल्स और इसका ट्रू। चलो, नॉट ए नंबर नॉट ए नंबर के बराबर नहीं, ठीक है। लेकिन मैं अगर बोलूं कि इसको चेक करना है कि नॉट ए नंबर जो है, ठीक है, वो नॉट ए नंबर है क्या, ठीक है, तो मेरे पास में क्या मेथड है? इज नैन करके, ठीक है। तो यहां पर जैसे मैं बोलता हूं इसको लाइन काउंट इज नैन, इज एन ए एन, या फिर सिंपली जैसे इसको बोल देता हूं कंसोल डॉट लॉग H N A N, ये ट्रू दे रहा आपको कि एक नोट ए नंबर वाली वैल्यू है, ठीक है। तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ कि अगर ये नोट ए नंबर है तब तो मैं क्या बोलूंगा इसको, कंसोल डॉट लॉग इज नैन कर देता हूँ इसको यहाँ पे, इज एन ए एन लाइन काउंट, मैं बोल दूंगा कंसोल डॉट लॉग प्लीज एंटर ए वैलिड नंबर। सही बात है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे उसको दोबारा से चला के देख लेते हैं, मैं बोलता हूँ वन, ठीक है। क्या बोलना चाहिए आपकी बात? राइट, प्लीज एंटर ए वैलिड नंबर। अब की बार अगर मैं इसको दोबारा से जब चला के देखूं, मैं करता हूं यहाँ पे माइनस टेन, सही है क्या? ये नंबर है क्या? ये इंटीजर है क्या? ये नोट ए नंबर है? नहीं है, है ना। तो ये कंडीशन मैच होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, इसका मतलब ये तो नहीं चलेगा। माइनस टेन किया, इसने बोला माइनस टेन, ये कंडीशन नहीं चली, तो इसको भी चेक करना पड़ेगा आपको, है ना। तो मैं बोलता हूँ एल्स इफ, कि या तो क्या हो कि वो नोट ए नंबर है, ये चेक कर लेंगे। अगर नहीं है तो मतलब वो कोई नंबर है, लेकिन वो नंबर भी जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तभी हम उसका मानेंगे। एल्स इफ लाइन काउंट जो है अगर लेस देन वन है तो मैं बोल दूंगा प्लीज एंटर, है ना, एंटर ए वैलिड नंबर बिटवीन बिटवीन वन टू वन टू, हंड्रेड हंड्रेड एक बार दिखाने के लिए, कितना भी दे सकते हैं वैसे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और इसके अलावा अगर, ठीक है, अगर इसके अलावा है, एक से ज्यादा है या एक से, है ना, जो भी है बराबर है, तो एल्स मैं करूंगा इसको यहाँ पर प्रिंट, मैं बोलूंगा एक लूप चलाओ, ठीक है, लेट आई इक्वल टू एक से लेकर आई लेस देन इक्वल टू लाइन काउंट आई प्लस प्लस, ठीक है। और ये नहीं, ये नहीं, क्या था वो, ये तो अनकमेंट कर दूं मैं यहां पे बोल रहा हूं दो, ठीक है ना,
कितना लाइन प्रिंट करेगा, ओके कर दूं? क्या लगता है कितना लाइन, दो करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, चलो तो कर रहे भाई, ये क्या बोलते हैं, एक से कम नहीं हो या फिर नोट एंड नंबर नहीं हो तो फिर ये एक लूप चलाना, और इस लूप के अंदर ये प्रिंट लाइन आपको कॉल करना है। ये लूप कितनी बार चलेगा, जितना बार ये लूप चलेगा उतना बार ये प्रिंट लाइन आपका प्रिंट करेगा, ठीक है? तो इस ये कितना चलता है, एक से लेकर जो भी आपने दो बोला है तो एक और दो तक आपका चलेगा, और ये दो बार आपका प्रिंट करेगा। इसको तो मैं कर देता हूँ, अब आपकी मर्जी, अब आप इसको जितना बोलेंगे उतना ये प्रिंट करके आपको दे देगा। मैं बोल रहा हूँ 27, ओके 27 नंबर ऑफ जो है लाइन से उसने प्रिंट कर दिया, तो आपकी मर्जी से चल रहा है अभी। तो उसको कंट्रोल करना सीख रहे हो ना आप, समझ में आ रहा है ये, है ना, कि फंक्शन मैंने एक बार चलाया, एक बार बनाया और उसको मैं चला अपनी मर्जी से राउंड, मैं काउंट कर रहा हूँ, मैं लॉजिक में डाल रहा हूँ, मैं लूप में डाल रहा हूँ, इफ एल्स से मैं कर सकता हूँ अपने हिसाब से ये। तो एक तो ये हो गया नॉर्मल फंक्शन, आपको कैसे डिफाइन करना और कैसे उसको यूज करना, डिफाइनिंग फंक्शन, अब देखो फंक्शन जो बनता है ना, फंक्शन के अंदर भी आप चीज़ें पास कर सकते हो, है ना, क्योंकि फंक्शन ऐसा नहीं कि एक लाइन प्रिंट कर दो, ये क्या फंक्शन है ऐसे लाइन ही प्रिंट, जो लाइन ही प्रिंट करता रहेगा। तो मैं इसको बोलूँगा जैसे ये फंक्शन आपको बनाना है, यहाँ पे फंक्शन प्रिंट लाइन, ठीक है, और ये फंक्शन जो है लाइन प्रिंट करता है, console.log ये वाला लाइन प्रिंट करता है, ठीक है। ये फंक्शन हो गया लिमिटेड, इसका कोई यूज नहीं है, ये हाँ यूज हो सकता है इसका कि एक लाइन प्रिंट कर देगा, लेकिन अगर ये लाइन भाई वेरिएबल लेंथ का हो या फिर इसका भाई स्टार का बनाना हो, हैश का बनाना हो, तो क्या करेंगे, तो मुझे इसको बताना चाहिए, ठीक है। मैं ऐसा नहीं करूँगा, अगर मुझे स्टार का चाहिए तो मैं ऐसा बोलूँगा कि ऐसा कॉल किया मैंने और फिर प्रिंट स्टार लाइन, ठीक है, और यहाँ पे सारे के सारे स्टार हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए, ये मजदूरी वाली चीज होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप बता सकते हो इसके अंदर ये जो ब्रैकेट है ये आपको बताने के लिए कि आप यहाँ पे क्या क्या चीजें दे सकते हो। तो बाहर से जो कुछ पास करना होगा इन ब्रैकेट के बीच में आपको पास करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, पैरामीटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ आपका फंक्शन विद पैरामीटर्स, इनको आर्गुमेंट भी बोलते हैं कई बार, ठीक है। इसके अंदर मैं देना चाह रहा हूँ कि किस तरह का ये होगा ये, तो यहाँ पर जैसे इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मैं बोल देता हूँ सिंबल, ठीक है, ये सिंबल आपको यहाँ पे प्रिंट करना है। अगर मैं यहाँ पे ये सिंबल जो आपने दिया है ना, ये एक वेरिएबल आप इसके अंदर पास कर रहे हो, तो यहाँ पे जब आप इसको कॉल करेंगे ना उस टाइम पे आपको देना पड़ेगा प्रिंट लाइन एज ए इनपुट। तो प्रिंट लाइन करनी है, ठीक है, किस तरह की लाइन करनी है, तो यहाँ पे जो आपने बोला ना इसको आपको कॉल करके बताना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे एक स्ट्रिंग में बोल देता हूँ, आपको स्टार प्रिंट करना, ठीक है। अब स्टार प्रिंट करने से ही केवल ये स्टार प्रिंट नहीं करेगा, देखिए क्या चलता है कि नहीं चलता, ये अभी भी वैसा लाइन ही प्रिंट कर रहा है, ठीक है, अभी भी वो सेम लाइन ही प्रिंट कर रहा है। तो इसका फायदा क्या हुआ, फिर इसको हमें सुनना भी पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ console.log symbol सिंबल सिंबल, और यहाँ पे लिख देता हूँ inside function
फंक्शन के अंदर ये जो सिंबल नाम का वेरिएबल है ये क्या बन गया है, जो आपने यहाँ पे पास किया ना ये वाली चीज, वो यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो मैं इसको एक लूप में चला के ये डॉट ये प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है ना। कैसे करेंगे देखो, मैं बोलूंगा लेट लाइन इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, एक एम्प्टी स्ट्रिंग मैंने ले लिया, मैंने बोला एक फोर लूप लगाऊ, फोर लूप जो है मैंने बोला लेट आई इज इक्वल टू जीरो से या एक से लेकर आई लेस देन इज इक्वल टू टेन आई प्लस प्लस, और यहां पर जैसे मैंने बोल दिया कि लाइन के अंदर आप ये सिंबल जोड़ सकते हो क्या, ये जोड़ देना, ठीक है। लाइन स्टार्टिंग में कैसा है, एम्प्टी है, और एम्प्टी के अंदर जब ये सिंबल जुड़ेगा, स्टार जुड़ेगा, तो ये क्या बनेगा, ये एक स्टार बन जाएगा, फिर ये स्टार के अंदर एक और स्टार जुड़ेगा, फिर ये दो स्टार बन जाएगा, इस तरीके से ये जुड़ता रहेगा, ठीक है। और लास्ट में मैं जो है कंसोल में, अब ये लाइन प्रिंट करने के बजाय मैं बोलूँगा लाइन नाम का वेरिएबल में जो कुछ बन रहा है ना वो आपको प्रिंट करना है, ठीक है। ये चीज़ समझ में, यहाँ पे जैसे इसको दोबारा कॉल करूँगा मैं एक, और इसको मैंने बोल दिया हैश, ठीक है, ये भी आपका हैश का लाइन प्रिंट करेगा, सही है क्या, ठीक है। ये क्या प्रिंट करेगा, कर देगा, ठीक है। ये इस चीज को 10 बार प्रिंट कर देगा एक लाइन बना के, देख लो, सही है क्या, है ना। तो आप इसके अंदर एक पैरामीटर पास कर सकते हो, सिंबल नाम का आपने पैरामीटर पास कर दिया। लेकिन कल को मैं ये बोलूं, जैसे आपने यहाँ पर जैसे ये प्रिंट लाइन किया है, प्रिंट लाइन ये स्टार का कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसने 10 स्टार भी प्रिंट कर दिए। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ 10 स्टार प्रिंट नहीं करके मेरे को 20 चाहिए या 25 चाहिए या 30 चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा ये भी बताना पड़ेगा कि कितने स्टार प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो मैं एक और पैरामीटर ले सकता हूँ, मतलब दूसरा पैरामीटर, ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर कोमा लगाओ, यहाँ पे बोल दो लेंथ, ठीक है, या काउंट, या फिर जो भी आपकी मर्जी है, आप क्या लिखना चाह रहे हो, लेंथ। तो यहाँ पे देखो, जो मैंने पहले बार लिखा था वो तो क्या बन जाएगा, सिंबल, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेंथ, मैं बोल देता हूँ 20 का, 20 कैरेक्टर का रखना, ये 20 जो है ये बन जाएगा यहाँ पर लेंथ, ठीक है। अब आप यहाँ पे जो है लेंथ को ऐसा चेंज कर सकते हो, अब की बार देखो, और ये कॉन्सोल को हटा रहा हूँ मैं, ये कॉन्सोल को हटा दिया, इन दोनों को इसको तो नहीं पड़ा रहने, ठीक है। तो आपका लाइन प्रिंट हो गया। अब मैं इसको दोबारा कॉल करता हूँ, मैं बोल देता हूँ 5 का 17 30, 20 का 5 का 17 का और 30 स्टार का ये लाइन प्रिंट कर रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो एक ये चीज़ समझ में आएगा, अगर एक लूप चलाऊं मैं तो आप समझा दोगे क्या क्या प्रिंट होगा। चलो तो फोर लेट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस, बताओ, हाँ लो इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ ताकि आपको दोनों कोड दिख जाए, खुश, ये लो, ये इतना सा प्रोग्राम है, आउटपुट बताओ। आपने ये फंक्शन बनाया, सबसे पहले जब फंक्शन बनाया है तो भाई केवल बना है, डिफाइन किया है, और ये फंक्शन क्या बोलता है, ये एक से लेकर जितना भी आपने लेंथ दिया उतनी बार ये चलेगा, एक से लेकर उतनी बार चलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या बोल दिया, एक लूप चलाना है और लूप के अंदर आपने ये प्रिंट करना है। तो लूप के अंदर आई की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, ये लूप कितना बार चलेगा, 5 बार चलेगा या 4 बार चलेगा, ठीक है। तो 0 से लेकर 4 तक चलेगा 5 बार, ठीक है। तो ये जब ये पहली बार चलता है तो यहाँ पे क्या है, स्टार, इसलिए तो चेंज हो ही नहीं रहा है। आई की वैल्यू कितनी है, चलो आई जो है वो क्या बन गया है,
लेंथ बन गया है, तो आई जो है यहाँ पर नीचे वाला ये आई और ये आई अलग है फिर, ठीक है, एक से लेकर कितना चले गए जीरो के बराबर तक, ये छोटा, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है स्टार्टिंग में। आई की वैल्यू वन है, लेंथ जो है वो जीरो है, तो वन जो है वो लेस देन इक्वल टू जीरो है क्या? अगर नहीं है तो फिर ये अपना लूप चलेगा ही नहीं, और लूप नहीं चलेगा तो लाइन की वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में? एम्प्टी, वो इसने एम्प्टी प्रिंट कर दी, ठीक है। फिर जब सेकेंड टाइम जो लूप चलेगा तो आई की वैल्यू वन हो चुकी है ना, तो जब आई की वैल्यू वन हो चुकी है तो एक से लेकर कितना चलेगा? एक तक चलेगा, तो ये कितना बार चलेगा? एक बार चलेगा, है ना। एक बार जब ये चलेगा तो एम्प्टी के अंदर एक सिंबल ऐड हो गया स्टार वाला, और वो आपका लाइन बन गया, और उसके बाद जैसे इसकी वैल्यू टू हुई है ना, ये अपना लूप ब्रेक हो गया। लूप ब्रेक होने के बाद में लाइन जो प्रिंट करेगा वो आपका एक सिंगल स्टार प्रिंट करेगा, ठीक है। अगली बार ये दो करेगा, फिर अगली बार ये तीन करेगा, चार करेगा, और जैसे ही आई की वैल्यू यहाँ पर ये पाँच हो गई, यहाँ पर ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, इसलिए आपका इस तरीके से आया। अब एक काम करते हैं, जैसे एक छोटा सा जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास में कुछ बॉक्स है, ठीक है, ड्यू डोर बॉक्स इनटू 10, एक दो तीन चार स्टाइल कर लेते हैं। डॉट बॉक्स जो है इसका विड्थ 100 पिक्सल है, 100 पिक्सल है, बॉर्डर 5 पिक्सल ब्लैक है, और अगर एक लाइन में जचाना चाह रहे हो तो इसको आप बोल दो बॉडी पे डिस्प्ले फ्लैक्स है, फ्लैक्स से भी कर सकते हैं, ग्रिड से भी कर सकते हैं आपकी मर्जी, और फ्लैक्स रैप तरीके से, और एक गैप कर देते हैं, गैप जो है 5 पिक्सल, ठीक है। और बॉक्स को मैं बोल देता हूँ डिस्प्ले ग्रिड है, प्लेस कंटेंट सेंटर, ठीक है। फोल्ड का साइज बढ़ा देते हैं, फोल्ड साइज 30 पिक्सल है, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ ना तो एक पे क्लिक होना चाहिए, ठीक है, जिस पे भी क्लिक हो रहा है वो अपना हाईलाइट हो जाए, ठीक है। ये काम तो किया जा सकता है क्या, जिस पे भी क्लिक करो वो हाईलाइट हो जाए, ठीक है, उसका कलर चेंज हो जाए, तो क्या कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो, लूप तो चलाना आता ही होगा। यहाँ पर आते मैं बोल देता हूँ कि let boxes is equal to document dot get elements by tag name, कितने एलिमेंट सेलेक्ट हुए होंगे? 10 एलिमेंट सेलेक्ट हो गए होंगे, ठीक है, क्योंकि div से मैंने बोला है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन पे इवेंट लिस्टर लगाना चाह रहा हूँ कि जिसपे भी क्लिक होगा वो रेड कलर का हो जाए, ठीक है। तो मैं ऐसा बोलूँगा, कैसे बोलूँगा कि बॉक्स का बॉक्सेज में से जिस जीरो था, ठीक है, उसके ऊपर एड इवेंट लिसनर, ठीक है। और मैंने बोला कि जब भी मैं क्लिक करूँगा जीरो वाले पे, मतलब वन इस पे, ये वाले बॉक्स पे, तो इसको इस तरीके से मैं हैंडल कर। और इसको करना क्या है, जो बॉक्स जीरो है उसका स्टाइल जो है और बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को मैं चेंज कर दूंगा, क्या बोलना है, रेड कर दिया, सही है ना। चलो देखते हैं ये होता कि नहीं होता। तो इस पर मैंने जैसे क्लिक किया, ये रेड हो गया, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये रेड होगा कि नहीं होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि इस पर लगा ही नहीं है। तो इस पर करने के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पे इसको कॉपी करके इसको क्या कर दूँ, वन कर दूँ, इसको मैंने वन कर दिया, ये भी चलो चल जाएगा, ठीक है। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, ये हो गया, ये हो गया, इस पर क्लिक करता हूँ ये भी हो गया, इस पर क्लिक करूँगा तो क्या करना पड़ेगा, इस पर भी लगाना पड़ेगा, ये मंडेन वर्क हो गया। आप इसमें क्या कर रहे हो, हमेशा बार बार जीरो वन, देखो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो,
अगर मैं तीसरे वाले को करना चाहूंगा यहाँ पर, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? टू लिखोगे दोनों जगह पे, ठीक है। ये एक पैटर्न समझ में आ रहा है क्या? जीरो जीरो वन वन टू टू, ठीक है। तो ये तो लूप से भी कर सकता हूँ मैं, ये गिनती तो मैं लूप से भी गिनवा सकता हूँ अगर मुझे यही काम करना पड़ेगा तो, राइट, ठीक है। और ये कितना कब तक करना पड़ेगा? क्योंकि 10 बॉक्स है तो 0 से लेकर कितना 9 तक का मेरे को गिनती गिनना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं ना, ये गिनती मैं इससे गिनवा लेता हूँ, ठीक है। क्या करेंगे हम? बोलेंगे एक लूप चलाओ, फोर लेट आई इज इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन कितना बॉक्सेस डॉट लेंथ। अगर आप करोगे तो ये आपको कितना देगा? 10 देगा। तो 0 से लेकर 10 से कम मतलब 9 तक आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और यहाँ पे आप इसको आई प्लस प्लस कर लो, और यहाँ पर इस तरीके से। अब मैं बोलूंगा इसको ना यहाँ पर ले आओ, हो गया सोल्व, ठीक है, सब पे लग गया या नहीं लगा? तो क्या करना पड़ेगा? ये चीज आपकी फिक्स है यहाँ पर, तो इसको मैं चेंज करना चाहूंगा। चेंज करने के लिए मैं बोल दूंगा ये आई ये भी आई, सही है। तो ये जीरो जीरो नहीं हो गया पहले बार में, फिर दूसरे बार में वन वन हो गया, फिर टू टू हो गया, थ्री थ्री हो गया, इसका मतलब ये सब पे लग गया होगा। चलो इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि लगा कि नहीं लगा। तो जब ये लूप चलेगा तो ये होगा भी, तो देखते हैं। मैं 6 पे क्लिक करता हूँ, बिल्कुल काम कर रहा है। 4 पे क्लिक कर रहा हूँ, बिल्कुल काम कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से काम तो करना शुरू कर दिया इसने। अब कितने एलिमेंट हो सकते हैं? कल को देखो मैं इसमें नहीं, मैं तो यहाँ पे 10 की जगह पे 20 करना चाहूँगा तो कर सकता हूँ मैं, ठीक है। एक भी बढ़ाऊँगा यहाँ पर, जैसे इसको मैंने कर दिया 11 कर दिया। तो अब मुझे इस प्रोग्राम को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, लॉजिक को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी क्या? लॉजिक चेंज नहीं होगा, ऑटोमेटिक 11 पे भी लग रहा होगा, सही है ना। ये चीज चाहिए अपन को, ये आगे चल के हम इस चीज को हार्ड कोड नहीं करते कि 10 बॉक्स पे ही लग रहा है। तो हमने लॉजिक इस तरीके से बना दिया कि कितने भी होगा बांध दो, हम अपने आप कर लेंगे। तो ये तो चलो ये हो गया। अब मैं जैसे बोलता हूँ, जैसे 1 पे मैंने क्लिक किया, ये है एक तो मल्टीपल सेलेक्ट का आपका प्रोग्राम बन गया कि आप जैसे मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो। मैं जैसे पहले तो इस पे मल्टीपल एलिमेंट को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, सही है ना। यहाँ पे जैसे ये क्या हो सकता है, कैटेगरी हो सकती है, डिफरेंट कैटेगरी। जैसे आपका इंस्टाग्राम जब आप चालू करते हो तो कौन कौन सा कैटेगरी का फीड आपको चाहिए? स्पोर्ट्स का आपको वो है क्या शौक, पॉलिटिक्स, बुक्स पढ़ते हो, टेक्नोलॉजी, तो आप 5-6 सेलेक्ट कर लेते हो, उससे रिलेटेड कुछ चैनल आपको सजेस्ट कर देता है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जैसे भाई क्या बोलेंगे, मूवी, टेक्नोलॉजी और नेचर से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, साइंस, कॉमिक्स पसंद है आपको, म्यूजिक पसंद है, तो इस तरीके से कुछ कैटेगरी आपने बना ली। और इनको थोड़ा सा फॉन्ट साइज कम कर लेते हैं, ये अलग अलग कैटेगरी है। तो कौन सा चाहिए आपको? तो मैंने बोल दिया मूवी चाहिए, या कॉमिक्स भी मुझे पसंद है, आर्ट मुझे म्यूजिक पसंद है, ठीक है। ये 4 चीज़ें मुझे पसंद है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इनमें से आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हो। तो उस केस में आप कैसे इसको लॉजिक को बनाएंगे? ये तो मल्टीपल सिलेक्ट का प्रोग्राम बन सकता है, ठीक है। तो अब हमें ये करना है कि इसको मैं डी सिलेक्ट कैसे कर सकता हूँ, वापस से रीसेट कैसे कर सकता हूँ। कोई ऐसा फंक्शन अपन बना ले जो सारे बॉक्स का स्टाइल जो उसको चेंज कर दे एक साथ में, क्यों नहीं क्या? जैसे एक फंक्शन बनाता हूँ, ये फंक्शन बनाया मैंने, बोला रीसेट, रीसेट बॉक्स स्टाइल, ठीक है, रीसेट करना है। ये फंक्शन क्या करता है? ये फंक्शन एक लूप चलाता है, ठीक है, बॉक्स की लेंथ जितना। और ये क्या करता है, हर एक बॉक्स का, इसको तो मैं हटा देता हूँ, हर एक बॉक्स का जो बैकग्राउंड है उसको वाइट कर देता है। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, अगर कोई रेड है बॉक्स उसको भी क्या कर देगा, ये वाइट कर देगा, ठीक है। और सिंपली जब भी मैं इस किसी बटन पे क्लिक करूंगा तो इसको मैं यहाँ पर, जैसे किसी बटन पे क्लिक करूंगा तो इसको मैं यहाँ पे कॉल कर लूँ, ये क्या करेगा, तो ये रीसेट करेगा। तो देखना, जब पहली बार ये सारे के सारे वाइट हैं, है ना, तो जब मैंने इस पर क्लिक करूंगा तो क्या करेगा, दोबारा से सबको वाइट कर देगा, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी एक को, जिस भी बॉक्स पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उसको क्या कर देगा, रेड कर देगा, देखे
रेड कर दिया। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा कॉमिक्स पे, तो अब उसका काम शुरू हो गया। जब मैं कॉमिक्स सेकंड पे क्लिक करूंगा तो रीसेट स्टाइल जो क्या करेगा, पुराने वाले जितने भी बॉक्सेज हैं सबको क्या कर देगा, वाइट कर देगा, और जो अभी करंट वाला जिस पे मेरा क्लिक हुआ है उसको क्या कर देगा, रेड कर देगा। ठीक है, अब देख लो ये सिंगल सिलेक्ट सही है। ठीक है, ऐसा कर सकता हूँ मैं, और इसमें ऐसा भी कर सकता हूँ कि केवल दो ही सिलेक्ट कर पाओ आप, दो ही सिलेक्ट कर पाओ मैक्सिमम, जो पहले कर ले उसके बाद में ना हो। ठीक है, तीन आपकी मर्जी है। ठीक है, लिमिटेड कर रहे हैं कि तीन होते हैं बंद, चलो डी सिलेक्ट नहीं कर रहे। तो इसमें क्या कर सकते हैं, काउंट ले सकता हूँ क्या मैं, है ना। तो मैंने बोल दिया लेट सिलेक्टेड बॉक्स काउंट, ठीक है, और इसको मैंने बोल दिया जीरो। जब भी आप किसी बटन पर क्लिक करते हो, किसी बॉक्स पर क्लिक करते हो, तो इस काउंट को बढ़ा दूंगा, ठीक है ना, एक हो गया। ठीक है, और जैसे ये एक होगा, जैसे ये अभी कितना हो गया, एक हो गया, दो हो गया, मतलब दूसरे पे क्लिक करेंगे तो तीन हो गया। ये फंक्शन को अभी कॉल नहीं कर रहा, ठीक है, या अलग से बना लूं क्या, अलग से बना देता हूं। लिमिटेड बॉक्स सेलेक्टर, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्टेड बॉक्स काउंट ये इसको हटा देता हूँ, रीसेट नहीं करना है। हाँ, तो जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इस काउंट को बढ़ा दूंगा, और काउंट को बढ़ा के कितना हो गया एक बार जैसे कॉन्सोल में प्रिंट भी करा दूंगा। ठीक है, कॉन्सोल, ठीक है, जैसे मूवी पे क्लिक करूंगा, मैं मूवी पे क्लिक किया, ये क्या बोल रहा है वन, मैं नेचर पे क्लिक करूंगा ये बोल रहा है टू, एक और पे मैंने क्लिक किया ये बोल रहा है थ्री। ठीक है, और जो मैक्सिमम मैंने ले रखे हैं सिलेक्ट, जिनको आप कर सकते हो लेट मैक्स सेलेक्ट काउंट इज इक्वल टू, जैसे थ्री बोल दिया मैंने, ठीक है, तो मैं ये करूंगा इफ मैक्स सेलेक्ट काउंट लेस देन सिलेक्टेड बॉक्स काउंट, मैक्स नहीं उल्टा है, ठीक है, ये लो ऐसा, ठीक है, जो सिलेक्टेड बॉक्स काउंट है वो मैक्स सिलेक्टेड बॉक्स से कम है, तभी आपका ये सारा चीज होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। देखो जैसे जैसे लॉजिक बढ़ रहे हैं ना, आपका दिमाग में ऐसा कुछ कुछ हो रहा होगा, ठीक है, तो उसको सहन करना पड़ेगा और थोड़ा समझना पड़ेगा इसको, ठीक है, कि क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो, जब मैंने पहले बार इस पर क्लिक किया तो आपका काउंट बढ़ गया क्या, पहले जैसे कितना है ये सिलेक्टेड बॉक्स काउंट, जीरो, जीरो कितना है, तीन से छोटा है क्या, है, तो ये क्या करेगा, इसको बढ़ा देगा, एक कर देगा, देखेगा यहाँ पर ये एक हो गया होगा, फिर ये दो भी हो गया होगा, ठीक है, तीन हो गया होगा, और फिर एक बार और क्लिक कर देते हैं चार, ठीक है। अब ये चौथे पे क्या होगा, जब इसकी वैल्यू तीन हो चुकी है तो थ्री लेस देन थ्री पॉसिबल है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे ये लूप आपका ब्रेक हो गया। लूप क्या, ये कंडीशन आपके चलेगी नहीं, अब कंडीशन हमेशा फॉल्स होगी, ठीक है। इस तरीके से आप तीन ही सिलेक्ट कर सकते हो, दोबारा से आप चलाओगे इसमें से तीन सिलेक्ट किया जा सकते हैं रैंडमली कोई से भी, क्लियर है।